स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बोला जा रहा है कि फॉर एनी ट्रायंगल एबीसी प्रूव डैट, हमें प्रूव करना है किसी भी ट्रायंगल में जो एबीसी है हमारे पास ट्रायंगल, उसमें बोला गया है ए प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी अपॉन टू साइन सी बाई टू। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो है हम जो है राइट हैंड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी ए प्लस बी अपॉन सी, इसको लेके चलेंगे और इसमें जो है हम साइन वाला फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो इसके हम सॉल्यूशन में हम लिखेंगे टेकिंग साइन फार्मूला। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही था साइन फार्मूले, आपको अपने इंट्रोडक्शन की जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने बताया ही था कि जिस टाइप से हमें जिस भी फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी वो हम लेंगे। तो इसमें जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है ए प्लस बी अपॉन सी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं ए इज इक्वल टू लैम्डा साइन ए, बी इज इक्वल टू लैम्डा साइन बी और सी इज इक्वल टू लैम्डा साइन सी। ठीक है ना, तो हम ये वाले फार्मूले इसमें लेंगे। तो लैम्डा की जगह आप के भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना, ये कोई ऐसा वो नहीं है कि लैम्डा ही लेना है हमें। तो ए की जगह के भी ले सकते हैं आप, लैम्डा की जगह के भी ले सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ए इज इक्वल टू के साइन ए। ठीक है ना, तो इस तरह से हम ये वाले फार्मूले इसमें यूज़ करेंगे। तो हम लिख लेते हैं, पहले फार्मूले लिख लेते हैं टेकिंग साइन फार्मूला। तो हमारा ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा के साइन ए, के साइन ए। आप लैम्डा लेना चाहें लैम्डा ले लीजिए, बीटा लेना चाहें बीटा, मतलब कुछ भी कोई भी कांस्टेंट, सी लेना चाहें सी ले लीजिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है ना, हम के ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ए इज इक्वल टू साइन के साइन ए और बी इज इक्वल टू के साइन बी और C इज इक्वल टू के साइन सी। तो ये हमारे जो हैं साइन फार्मूले हैं, ये हमने इसमें अप्लाई करने हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। तो अब जो है नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं A प्लस बी अपॉन C इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन सी। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू के साइन ए है, के साइन ए प्लस के साइन बी अपॉन के साइन सी। तो ये सिंपल हमने जो है वैल्यू पुट कर दी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो के है ये हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये हम के जो है कॉमन ले रहे हैं, के कॉमन लिया, तो अंदर हमारे पास बचा साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, और नीचे आ गया हमारा के साइन सी, के साइन सी। तो ये हमने के कॉमन लिया। ठीक है, तो अब ये के से के कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास आ गया साइन ए प्लस साइन बी अपॉन साइन सी। ठीक है, अच्छा, अब जैसे कि हमें पता ही है, यहाँ पर हम ऊपर जो है साइन ए प्लस साइन बी वाला फार्मूला लगा देंगे, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू कॉस ए माइनस बी अपॉन टू, ये फार्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो लगाते हैं, लिख देते हैं, क्योंकि साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू कॉस ए माइनस बी अपॉन टू। ठीक है, ये फार्मूला हम ऊपर लगा देंगे ए साइन ए प्लस साइन बी में, तो ये हमारे पास आ जाएगा टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू कॉस ए माइनस बी अपॉन टू।
अपॉन साइन सी। अब अगर हम ध्यान से देखें, कॉस ए माइनस बी अपॉन टू, तो ये हमारा ऊपर का तो पार्ट आ रहा है, ठीक है ना। हमें प्रूफ जो करना है, प्रूफ में हमें यही करना है, कॉस ए माइनस बी अपॉन टू, तो इतना तो हमारे पास आ गया, ठीक है ना। तो इसको तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। अब हमें किसी तरह से ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल आउट करनी है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं बताता हूँ आपको। इसके लिए जो है, अच्छा नीचे जो है हमारे को साइन सी अपॉन टू जो है लेके आना है, तो हमारे पास साइन सी है, यानी कि ये जो है हमें हाफ एंगल है जो प्रूव करना है, और ये हमारे पास फुल एंगल है। तो एक काम करते हैं, इस ये जो फुल एंगल है इसको हम हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हाफ एंगल का क्या क्या होता है फार्मूला, ये होता है हमारा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा अपॉन टू कॉस थीटा अपॉन टू, ठीक है ना। क्योंकि साइन टू थीटा जो होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है, और उसका अगर हम हाफ एंगल कर दें तो साइन थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा अपॉन टू कॉस थीटा अपॉन टू। तो ये हम नीचे फार्मूला ये वाला लगा देंगे, और इससे हमारा जो है हाफ एंगल हो जाएगा, और साइन सी बाई टू जो है हमारा यहाँ पे मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। तो इसको हम लगाते हैं फार्मूले को, तो ये हमारा हो जाएगा टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू कॉस ए माइनस बी अपॉन टू अपॉन, अब ये जो ये एंगल है इसको हम हाफ कर रहे हैं एंगल, तो ये फार्मूला हम हाफ एंगल का लगा देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा टू साइन थीटा, हमारा सी है तो सी बाई टू हो जाएगा, और कॉस थीटा बाई टू, ठीक है। अच्छा अब ये टू से टू कट गया, अच्छा अब हमारे पास कॉस साइन सी बाई टू तो हमारे पास आ गया। अब किसी तरह से हमें ये और ये चीज़ कैंसिल आउट करनी है, तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास आ गया अब साइन ए प्लस बी अपॉन टू कॉस ए माइनस बी अपॉन टू अपॉन साइन सी बाई टू कॉस, ये भी सी बाई टू है सॉरी, कॉस सी बाई टू, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये आ गया। अब जैसे कि मैंने आपको अपनी जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी, ठीक है ना, क्योंकि हमें अब इस चीज़ को हमें हटाना है किसी तरह से, इसको और इसको हटाना है, ठीक है ना, ये हाँ कॉस को। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, ये एक बहुत छोटी सी चीज़ आपको बताई थी जो एंगल सम प्रॉपर्टी थ्योरम है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बोला था कि जहाँ पर भी ए प्लस बी होगा उसे हम 180 डिग्री माइनस सी कर सकते हैं, या बी प्लस सी होगा तो उसे हम 180 डिग्री माइनस ए कर सकते हैं। तो हम यही चीज़ यहाँ पे लेके चल रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी है यानी कि 180 डिग्री माइनस सी कर सकते हैं ऐसे हम, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस सी अपॉन टू, ठीक है, इसको हमने छेड़ना नहीं है, इसको हमने ऐसे ही रखना है, कॉस ए माइनस बी अपॉन टू, क्योंकि ये तो हमारा आ गया हुआ है, इसको तो छेड़ने का मतलब ही नहीं है, अपॉन साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू, ठीक है। और साइड में हम लिख देंगे क्योंकि ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी, और ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी थ्योरम है, ठीक है ना। तो ये हम लिख देते हैं। अच्छा अब आगे नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं।
अब ये साइन 180 डिग्री माइनस सी अपॉन टू है, इसको हम अलग अलग कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन 180 डिग्री अपॉन टू माइनस सी अपॉन टू, इसको हमने अलग अलग कर दिया है, टू इसके साथ भी आ गया, टू इसके साथ भी आ गया, इसको जस्ट हमने अलग अलग करा है। कॉस ए माइनस बी अपॉन टू अपॉन साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू, ठीक है, और ये कट जाएगा टू वन ज़ा टू और टू 90 180 डिग्री, ठीक है। तो ये अब हमारे पास आ गया साइन 90 डिग्री माइनस सी कॉस ए माइनस बी अपॉन टू अपॉन साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू, सॉरी ये सी बाई टू हो गया ना, 90 डिग्री माइनस सी बाई टू, 90 डिग्री माइनस सी बाई टू, ठीक है ना। तो ये हमने करेक्ट किया है। अच्छा, अब हमने 10th क्लास में पढ़ाई था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, पढ़ाई है हमने 10th क्लास में, ये फार्मूला है हमारे पास साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया कॉस सी कॉस थीटा यानी कि कॉस सी बाई टू, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस सी बाई टू और कॉस ए माइनस बी अपॉन टू अपॉन साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू। अब ये कॉस सी बाई टू है और नीचे भी कॉस सी बाई टू है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस ए माइनस बी अपॉन टू अपॉन साइन सी बाई टू, और यही हमें प्रूव करना था कॉस ए माइनस बी अपॉन टू और साइन सी बाई टू, और ये हमारा ये राइट हैंड साइड आ गई, तो ये इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया, ये हमारे आ गया राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स, ये जो है क्वेश्चन इस ढंग से हुआ और मैंने इसको बहुत सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करी कि किस तरह से ये क्वेश्चन किया जाएगा, तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरे सारे स्टेप्स समझ में आ गए होंगे और बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। बस आप प्रैक्टिस करिए इसकी, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी करिए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप परफेक्ट होंगे, ठीक है ना। तो अगर मेरी किसी वीडियो में आपको या किसी कोई मेरा कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है आपको, या इस क्वेश्चन में कोई स्टेप नहीं समझ में आता है, तो आप मेरे प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है ना। वैसे तो मैंने इसको काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है, मगर फिर भी हो सकता है कोई स्टेप ना समझ में आए या कोई गलती हो मुझसे, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए अपने साथियों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसको, ठीक है ना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, उसके जैसे मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब करने का यही फ़ायदा है, ठीक है ना। तो और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है उनके लिए। तो स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर जो है अगला वाला क्वेश्चन नंबर 4th को डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय, थैंक्स।